MIB स्पोर्ट्स पर अपने YouTube चैनल पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला गया मैच, अगरचे पाकिस्तान ने 26 रन से जीता, लेकिन लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक जानब आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की छठे नंबर की टीम थी तो दूसरी जानब आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में 14वां नंबर हासिल करने वाली जिम्बाब्वे की टीम थी। टीम के सिलेक्शन के हवाले से पहले हम बात करें, कल हमने आपको अपनी टीम दी थी और हमारी जो 11 रुकनी टीम थी उसमें दो खिलाड़ी हमने शामिल किए थे, फ़खर जमान और उस्मान कादिर, दोनों आज नहीं खेले और फ़खर जमान की जगह इन्होंने आबिद अली को खिलाया, जबकि जो हमने कल आपको टीम दी थी उस्मान कादिर की जगह फ़हीम अशरफ को दी गई। जो दिफाई माइंडसेट था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का, वो नजर आया, क्योंकि जब इनिंग्स ओपन की पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और आबिद अली और इमामुल हक ने जब इनिंग्स ओपन की तो 10 ओवर्स में वो 41 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ। हालांकि पावर प्ले था, ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे और पाकिस्तान ने अगरचे के 50 ओवर्स में 281 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए, लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने 155 डॉट बॉल्स खेली, जिससे उनकी डिफेंसिव मोड का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगरचे 71 रन के साथ हारिस सुहेल टॉप स्कोरर रहे, इमामुल हक ने भी निस सेंचुरी बनाई, लेकिन इमामुल हक भी ऐसा लग रहा था कि वो टीम में अपने आप को पक्का करने के लिए सेफ होकर खेल रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम लंबी इनिंग्स न खेल सके और इब्तिदा में जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, अगरचे खासे ना तजुर्बाकार बॉलर हैं जिम्बाब्वे के, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी टीम 250 रन भी ना कर सके, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने जो 90 रन स्कोर किए, खासतौर पर इमाद वसीम ने जो 34 रन की एक मुख्तसर मगर जारहाना इनिंग्स खेली, तो उन 90 रन की वजह से पाकिस्तानी टीम 281 रन स्कोर करने में कामयाब हुई 8 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान की बैटिंग में कोई बड़ा जिसे कहना चाहिए मायूस कुन रही पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। इफ्तिखार अहमद जो मिसबाहुल हक के फेवरेट हैं उन्हें फिर टीम में शामिल किया गया और इफ्तिखार अहमद ने आज 12 रन स्कोर किए, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में वो मजमूई तौर पर 80 रन बना चुके हैं और उनका फी जो इनिंग्स का औसत है वो 16 रन का है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट खेले हैं, 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, 2015 से वो खेल रहे हैं। अगर वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे तो अब तक उनके टेस्ट मैचेस की, वनडे मैचेस की या T20 मैचेस की तादाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। मिसबाहुल हक उन्हें यूटिलिटी क्रिकेटर कहते हैं। इफ्तिखार अहमद से आज एक भी ओवर नहीं कराया बाबर आजम ने जब जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग कर रही थी, तो किस हैसियत से उन्हें खिलाया जा रहा है, एक नौजवान की जगह मारी जा रही है। अगरचे वो कहते हैं इफ्तिखार अहमद के सितंबर में वो 30 साल के हुए, लेकिन बज़ाहिर वो 30 साल के नजर नहीं आते। जब तक फेवरेटिज्म खत्म नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट से, पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम का इंतखाब जब तक होता रहेगा यही होता रहेगा। फहीम अशरफ को आज शामिल किया गया, मई 2019 के बाद आज वो पाकिस्तान की जानिब से वनडे खेले, पाकिस्तानी टीम तकरीबन एक साल से ज्यादा अरसे के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। बाद लोग ये कहते हैं कि मिसबाहुल हक जब से हेड कोच बने वो या तो इस्लामाबाद यूनाइटेड या फैसलाबाद या फिर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के खिलाड़ियों को बड़ी अहमियत देते हैं और उन्हीं को खिलाते हैं। आप देखें किसी यंगस्टर को मौका नहीं दिया गया, सिर्फ एक यंगस्टर हारिस रऊफ ने आज अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का आगाज किया पाकिस्तान की जानिब से, बाकी वही टीम थी जिससे आप इनके डिफेंसिव माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आखिरी 10 ओवर में 90 रन नहीं बनते तो 281 रन जो 8 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए मुश्किल होती पाकिस्तान के लिए। मोजम्बरानी जो जिम्बाब्वे के 6 फिट 6 तवील कामत फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। चोसियो जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जब जिम्बाब्वे की बैटिंग आई तो उनके 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए 28 रन पर, लेकिन 34 साल तजुर्बाकार ब्रेंडन टेलर जो आज मैन ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और अगर टेलर और मधुवरी आउट नहीं होते तो ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। ब्रेंडन टेलर ने आज वनडे इंटरनेशनल मैचों में अपनी 11वीं सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के खिलाफ ये उनकी पहली सेंचुरी है। टेलर का और जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन का आपस में खासा तनाजा रहा है। माजी में टेलर 2015 में 3 साल के लिए चले गए थे नॉटिंगम शायर से खेलने और दिलचस्प बात यह है कि जब नॉटिंगम शायर से वो खेल लेते तो एक मैच के बाद जिसमें उनकी
की टीम में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ब्रेंडन टेलर अपनी गाड़ी में ट्रेंटब्रिज नॉटिंगम के मैदान के बाहर सोते रह गए। एक बिजनेसमैन ने अगली सुबह उन्हें देखा, गाड़ी अनलॉक थी और फिर टेलर जो थे वो वापस आए। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन टेलर ने जो इनिंग्स खेली रावलपिंडी के वनडे में, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेंडन टेलर जो 112 रन बनाने के बाद आउट हुए और उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग की, उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ब्रेंडन टेलर ने 16 साल का उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा है। 2004 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया। 197 वनडे खेल चुके हैं इसको मिला के। 20 साल मधुवेरी जो कि जिम्बाब्वे के नौजवान बैट्समैन है, उन्होंने भरपूर तरीके से टेलर का साथ दिया और वो पार्टनरशिप बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही थी जब दोनों ये खेल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इस मैच को अपने कंट्रोल में किया। जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी नातजुर्बाकार और हैरत अंगेज तौर पर जो सिकंदर रजा, जिन्होंने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ गदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए वनडे में सेंचुरी बनाई थी, आज उन्हें 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। हालांकि सिकंदर रजा बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 2 विकेटें शुरू में हासिल की और फिर उसके बाद मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकलना शुरू हुआ। क्रेग एडवन ने साथ दिया ब्रेंडन टेलर का और उसके बाद शॉन विलियम्स कोई ज़्यादा लंबी इनिंग्स ना खेल सके। आखिर में पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे शाहीन आफरीदी, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 5 विकेटें हासिल की। आज शाहीन आफरीदी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 50 विकेटें भी मुकम्मल की। 2018 में उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया था और शाहीन आफरीदी का भरपूर अंदाज से साथ दिया तजुर्बाकार वहाब रियाज ने, जो 100 से ज़ायद वनडे खेल चुके हैं। 34 बरस उनकी उम्र है, लेकिन बड़ी उम्दा बॉलिंग की वहाब रियाज ने। 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम ये मैच 26 रन से जीतने में कामयाब हुई। अब देखते हैं कि जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच इतवार को खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान क्या तब्दीली करता है। बाबर आजम ने तो कहा कि पाकिस्तान यंगस्टर्स को मौका देगा, लेकिन लग नहीं रहा क्या फखर जमान, जिन्होंने नेशनल T20 में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, क्या वो टीम में वापस आएंगे। और फखर जमान के अलावा क्या उस्मान कादिर ऐसे ही टीम के साथ ट्रैवल करते रहेंगे। गुज़िश्ता बरस श्रीलंका के खिलाफ उन्हें T20 सीरीज में नहीं खिलाया गया, साथ रहे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए साथ रहे, लेकिन वो नहीं खेले, तो अब कब उन्हें खिलाएंगे। और फिर शादाब खान अगर वो फिट होकर वापस आते हैं तो वो किसकी जगह खेलेंगे। क्या इफ्तिखार अहमद, जिनके साथ ये टैग लग गया है कि वो मिसबाह उल हक की पर्ची है, क्या इफ्तिखार अहमद फिर टीम का हिस्सा बनते हैं, मिसबाह उन्हें और चांस देते हैं या फिर किसी और को मौका मिलता है। बहुत सारी चीजें और यकीनन इस मैच में पाकिस्तान अगरचे 26 रन से फतेहयाब हुआ, लेकिन खतरे की घंटी बजा दी है जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने कि वो 14वें नंबर की रैंकिंग की टीम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सख्त जान हरीफ साबित हुई। लोग कह रहे थे कि यकतरफा सीरीज होगी, ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। दूसरे वनडे मैच के साथ ही आपको अपडेट देंगे उसको और फिर उसके अलावा हम आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे। यकीनन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से बहुत सारी मालूमात भी हासिल होंगी, तो देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।